मेरे सरकार एक बार फिर हेलो हेलो के मूड में दिखाई देते हैं। एक और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी, घबराना नहीं का नया वर्जन जारी फरमा दिया गया है। अवाम के शिकवे शिकायतें वही हैं, गवर्नेंस के मामले पर तिफिल तसल्लियाँ मेरे सरकार की वही हैं। बहलावों से कब तक अवाम को बहलाया जा सकेगा, ये आज का सवाल है जो पूछेंगे अपने मेहमान से। वज़ीर ख़जाना ने रेवेन्यू इजाफे का दावा भी फरमाया। लोगों का, दिलजलों का, मतवालों का कहना है कि ये शायद वज़रा के रेवेन्यू में इजाफे की बात हो रही है। ना पिछली दफ़ा वज़ीरे आज़म को फिक्र होती थी, ना पिछले साल वज़ीरे आज़म को, हमारे जो यही वाले वज़ीरे आज़म थे उनको फिक्र थी, ना इस मरतबा। अल्लाह का शुक्र है खान साहब की कंसिस्टेंसी इस मरतबा भी वही है। वो सानू की मोड पे हैं, उनकी बला से कोई कहीं मर जाए, उनकी तब्दीली, उनकी खुशखबरियाँ, उनके वादे वही वही के वही हैं। बल्कि मेरे सरकार तो ये भी कह रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। हुजूर, अगले इलेक्शन तक किसने देखा है? और पिछली मर्तबा क्या आप इलेक्शन जीत के आए थे? यह अपोजिशन का कहना है, जवाब आपने खुद देना है। सर यह बताइएगा, एक मर्तबा फिर हेलो हेलो हुई है और आवाम के शिकवे शिकायतें हुई हैं, और एक मर्तबा फिर घबराना नहीं है का नुस्खा तजवीज कर दिया है। सर आपके ख्याल में हर मर्ज का इलाज दुरूद शरीफ कब तक चलता रहेगा? कब तक यही बताया जाता रहेगा कि नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी डाकू था? चोर और डाकू तो खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और खान साहब सानू की मोड पर लगे हुए। आप क्या तजवीज़ करते हैं? अब आवाम को कहाँ जाना चाहिए, जो बाइडन या अक्वामे मुत्तहदा? मुझे आप लोअर मिडिल या मिडिल क्लास का आदमी समझ लें। परसों मेरा बेटा दूध लेके आया तो उसने कहा अबू 140 रुपया लीटर हो गया है दूध, 10 रुपया और बढ़ गया। और इमरान खान साहब जब आए थे 100 रुपया लीटर था अच्छा दूध, अब वो 140 और कुछ जो कहते हैं ज़्यादा खालिस चाहिए तो 150। ये सामने सामने की बात है। आज मैंने अपनी मुलाजमा जो आई है बर्तन धोने वाली, तो उसने चीनी की बात की, मैंने कहा चीनी आपने ख़रीदी है? उसने कहा जी 120 रुपये किलो मैंने ख़रीदी है। अच्छा, ये तो एक लम्हे के लिए। मैं ये कहता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीरे ख़जाना हैं, आपको याद होगा नूरुल आरिफीन साहब, इन्होंने 1 अप्रैल को रात एक बड़े TV एंकर को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि पाकिस्तान में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है, और वजूहात बयान की कि 165 रुपये तक ये एक्सचेंज रेट डॉलर का ले गए, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई, इन्होंने पेट्रोल की वगैरह वगैरह, इन्होंने नैब को छोड़ दिया, इन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा, और उन्हीं साहब ने 17 अप्रैल को हल्फ उठा लिया, और उसके बाद 17 या 20 मई को, महीने के बाद ये पता चला कि वो जो 2% GDP थी वो 4% हो गई है। यानी यूं छलांग लगाई, गोया अवामुन्नास के लिए चीनी भी 50 रुपए किलो हो गई है, दूध 100 रुपए से नीचे चला गया है, बिजली 8 रुपए यूनिट हो गई है, पेट्रोल 60 रुपए लीटर हो गया, वगैरह वगैरह, नौकरियां मिलनी शुरू हो गई हैं। खुदा के बंदो, अगर ये मामलात इस तरह हो गए हैं फिर तो आपकी मईशत तरक्की कर गई। फिर तो आप कहते हो गंदम ज़्यादा पैदा हुई है, तो फिर साथ कपास को देख लें, वो कहाँ गिर गई है? ठीक, जो दो करोड़ आदमी आपने खते गुरबत से 3 सालों में और नीचे गिरा दिए थे, क्या उन सबको ऊपर ले आए हो? राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। गुलजफर खान साहब झूठ बोलने से तशरीफ फरमा है, अब मैं उन पर तो ये तोहमत नहीं धर सकता सर जो आपने कहा, लेकिन बहरहाल ये जो नगमा अभी सुनाया सिद्दीकुल फारूक साहब ने, मोटी मोटी बातें, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल बातें नहीं है जितनी आपने थोड़ी देर पहले की, इसीलिए मैं न्याय शराफत के साथ सुनता रहा, क्योंकि मेरे सर के 3 फुट ऊपर से जा रही थी। मैं क्यों बताऊँ, झूठ बोलूँ, इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं कि GDP और PPP के चक्कर में पढ़ूँ, इसलिए मैं सुनता रहा आपकी बात यहाँ तक के फुल टॉस लग गई। अब फुल टॉस लग गई है सर, दूध 140 रुपए लीटर हुज्जाज कराम की हुकूमत में हमें मिल रहा है, चोरों डाकुओं के दौर में हमें ज़रा सस्ता मिल रहा था। अच्छा, चोरों डाकुओं के दौर में जब हम अंडा लेते थे और वो भी गर्मी सर्दियों के मौसम में, तो वो हमें मिलता था 100 रुपये, 110 रुपये। अल्लाह का शुक्र है जब से हमारी नेकोकार सादिक और अमीन सरकार आई है, गर्मी का मौसम है, मैं अभी कल ही अंडे लेने के लिए गया तो मेरा दिल चाहा अंडे उठा करके या तो अपने सर पे मारूं या दुकानदार के, उसने पूरे कमबख्त ने 148 रुपए दर्जन दिया और साथ में एक आंख दबा करके ये भी कहा तब्दीली मुबारक हो। सर ज़रा कुछ फरमाइएगा, किस तरह से मुझे बहलाएंगे आप?
जी 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 ये सदीकुल फारूक साहब वैसे भी बड़े अच्छे मदबर और बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने बड़ी बड़ी सही बात की। उन्होंने कहा कि पिछले वो वजीर खजाना ने इंटरव्यू दिया कि मैशत का बेड़ा कर करके उसने जाने वालों की बात की, हमारी नहीं की थी, उन्होंने कहा इन्होंने कर करके चले गए। और जो इन्होंने दूसरी बात की, यही मसला हमारे साथ भी हुए। मैंने मुंतखब हुआ तो मेरे बच्चों ने आके मुझसे पूछा कि अबू ज़रा बताएंगे ये मुशरफ के दौर से लेके आगे जो दो अदवार गुजरे उसमें कितने कर्ज़े लिया। मैंने कहा इस तरह कैलकुलेटर तो हुकूमत ने बनाई नहीं है कि मैं उसको काउंट कर सकूँ। अच्छा फिर पूछा कि ये आर्टिफिशियली कितना पैसा जोंग दिया मार्केट में डॉलर को स्टेबल करने के लिए। मैंने कहा ये भी कोई हिसाब किताब में आने वाली नहीं है, ये इसके लिए बड़े कैलकुलेटर की जरूरत है, बाजौड़ में वो नहीं मिलता। अच्छा फिर उन्होंने पूछा कि कितने माशी सुरंगे बचा के गए। फिर मैंने कहा ये चीज़ें भी नहीं आती। तो ये जो महरकत ये जो इनके तरफ से हुए हैं, ये चले गए हैं माशी सुरंगे बचा के, घर भी रख दी गई थी पहले पहले कर्जों पर कर्जा, करंट अकाउंट डिपोजिट, IMF के पास जाना, और ये चीज़ ये तो इनकी वजह से हो रही है। आप ये अगर कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, इनका अगर कहना है कि कुछ नहीं है तो जाके रेवेन्यू ऑफिस जाके चेक कीजिएगा। और जो जब रेवेन्यू बढ़ रही है तो इसमें जो हरकत आ रही है, तो इसका इसका एक सिंपल मिसाल यही है कि अगर मैं कहीं मजदूरी कर रहा हूँ, गिलकारी कर रहा हूँ, कोई और चीज़ कर रहा हूँ, और मैं घर पैसे भेज रहा हूँ तो पता चल रहा है कि इसका कारोबार चल रहा है। जब रेवेन्यू बढ़ रही है तो इससे पता चलते कि नीचे बिजनेस चल रही है, बिजनेस में हरकतें हैं, इसलिए राइट सर अब जरा थोड़ा मेरे सवाल को भी लिफ्ट कराइए जफर साहब। रुपए की 4,000 अरब रुपए इनकी वजह से हुई, आर्टिफिशियली इन्होंने रुकी रखी थी डॉलर को। सर मैं जरा ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो आप मोटी मोटी ही बात बताइए। ये शकील गुफ्तगु आप करके मुझसे जान मत छुड़ाइए। ये एक वो कौन सी मुर्गी है जिसको इमरान खान से इतनी दुश्मनी है कि जो 150 रुपए में अंडा दे रही है मुझे, वो कौन सा अल्लाह मारा है कि जिसकी वजह से, जिसकी नेकियों की वजह से मुझे जो चीनी 60-70 यहाँ तक कि 80 रुपए में मिल जाया करती थी, अब वो 110 और 120 रुपए में मिल रही है। हर बात का जवाब जो है वो आप सिर्फ ये कह करके दे देंगे कि ये नवाज शरीफ की तरफ से है और ये उसकी तरफ से ये आ रही है। आरपीएन साहब ये चीज नीचे आ रही है, ये सदीक उल पारिक के हुकूमत में हमने चोकर काए थे आटी की जगह। नो सर आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि चीजों की कीमतें नीचे आ रही हैं। गर्मियों में कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने सिद्दीकुल फारूक साहब थोड़ा सा मेरे सामने मेरे प्रोग्राम में बैठे थे। जफर साहब जरा सुनिए की जहमत उठाइए सर। मेरे प्रोग्राम में फैयाजुल हसन चौहान साहब कमोबेश 3 महीने पहले आए थे, जब मैंने अंडे की बात पर उनको घेरा तो उन्होंने मुर्गियों पर इल्जाम लगा दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अंडों की कीमतें नीचे आ जाएंगी। आज 3 महीने होने को आ गए, गर्मी के मौसम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 150 रुपए दर्जन अंडे मिल रहे हों। सरकार इस बात का इलाज भी, इस बात का जवाब भी यही है कि नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू था। सर आप लोग अगर हुज्जाज हैं या इमाम काबा के पोते हैं तो आपकी तरक्की के ये सम्राट हम तक आते आते तो हम फिनारे आप समझ जाएं क्या हो जाएंगे। देखिए हम उसके पोते तो नहीं है, वैसे ये अल्फाज इस शो के साथ मैच नहीं करते, लेकिन उसके पैरोकार हैं। आप जिस तरह के अल्फाज यूज करते हैं कि जब हम यूज कर ले फिर आप कहेंगे कि आपने इस तरह कहा। मैं तो बता रहा हूं कि हम लेकर आ रहे, एक चीज हमने तस्लीम की थी कि थोड़ी बहुत महंगाई है जिसको कंट्रोल कर रहे। इस सदीकुल पारिक को हुकूमत में हमने चुकर काए थे, एनसी पूछ ले आइटम मिल रही रात, अभी तो शुक्र है मिल रही है। सर यकीन जानिए आप अगर इस शो में ना होते तो मुझे ना बात करने का मतलब ना मुझे जस्तजू होती, ना मुझे इस तरह की कोई चुरंगी घुमाता, ना मुझे 150 रुपए वाली बात का जो है वो इस तरह का चक्रम खोर जवाब मिलता, नहीं आपको सिद्दीकुल फारूक साहब पर तबर्रा करने का मौका मिलता, नहीं आप आटे में पाए जाने वाले चोकर के खसाइल बता करके कहीं निकल जाते। सर आप यकीन जानिए आप मेरे शो के लिए मतलब वो तीर बहादुर नुस्खा है कि जिसको मैं सराहता हूँ 27